दिस इज योर फ्रेंड अर्का एंड यू आर वाचिंग क्रिकेट इंसोम्निया। क्रिकेट की हर खबर मिलेगी इधर। ग्रेटेस्ट राइवलरी की जंग में भारत एक बार फिर बना चैंपियन। ओडीआई वर्ल्ड कप में आठवीं बार भी भारत ने पाकिस्तान को धोया। पहले भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और फिर रोहित शर्मा के हिटमैन वाले अवतार ने पूरे पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी। चलिए बताते हैं आपको कि क्या था इस मुकाबले का आंखों देखा हाल। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया। ये वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया और पाकिस्तान का पहला मुकाबला था, जिसमें इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करने आए अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक। बड़े मुकाबले में बड़ी ओपनिंग साझेदारी करने के लक्ष्य से उतरे ये दोनों खिलाड़ी बड़ी साझेदारी तो नहीं कर सके, लेकिन एक सदी हुई शुरुआत जरूर दी। पाकिस्तान के 46 रनों के स्कोर पर सिराज ने अब्दुल्ला शफीक को 20 रन के निजी स्कोर पर LBW आउट किया, जिसके बाद क्रीज पर आए पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम। इस वर्ल्ड कप में बाबर के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं और इस मुकाबले में उनका फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी था। बाबर आजम ने संभलते हुए पारी की शुरुआत की, लेकिन उनका साथ दे रहे इमाम उल हक 36 रनों के निजी स्कोर पर अपना विकेट खो बैठे, जिसके बाद क्रीज पर आए मोहम्मद रिजवान। रिजवान और बाबर ने पाकिस्तान की पारी को संभलते हुए आगे बढ़ाया और दोनों खिलाड़ियों ने एक अर्धशतकीय साझेदारी की। पाकिस्तान की टीम अच्छी पोजीशन पर आ गई थी। बाबर ने भी अपना अर्धशतक जड़ दिया था। रिजवान और बाबर के बीच 82 रनों की साझेदारी भी हो गई थी, लेकिन तभी सिराज ने बाबर आजम को बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ दिया। पाकिस्तान ने 155 रनों पर अपना तीसरा विकेट खो दिया, जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को क्रीज पर टिकने ही नहीं दिया। रिजवान भी अपना अर्धशतक लगाने से एक रन से चूक गए। उन्हें बुमराह ने बोल्ड कर मैदान से चलता किया। उनके अलावा साउद शकील ने 6, इफ्तिकार अहमद ने 4, शादाब खान ने 2, मोहम्मद नवाज ने 4, हसन अली ने 12, शाहीन अफरीदी ने 2 और हैरिस श्रॉफ ने 2 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान की पारी को 191 रनों पर ही रोक दिया। भारत के लिए शार्दुल ठाकुर को छोड़कर सभी गेंदबाज यानी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट लिए। 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, लेकिन भारत की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही और 23 रनों पर भारत ने अपना पहला विकेट शुभमन गिल के रूप में खो दिया। गिल मात्र 16 रनों के निजी स्कोर पर शाहीन अफरीदी का शिकार बने, जिसके बाद क्रीज पर आए विराट कोहली। लेकिन कोहली भी मात्र 16 रनों के निजी स्कोर पर हैरिस श्रॉफ की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अपना विकेट खो बैठे। इस वक्त भारत की टीम का स्कोर 79 रन पर 2 विकेट था, जिसके बाद क्रीज पर आते हैं श्रेयस अय्यर और पारी को संभालते हुए रोहित शर्मा का साथ दिया। रोहित शर्मा अपना हिटमैन वाला शो जारी रखते हैं और एक शानदार अर्धशतक जड़ते हैं। पाकिस्तानी गेंदबाजों को हिटमैन ने बहुत धोया। रोहित शर्मा ने 136.51 के स्ट्राइक रेट से 63 गेंदों में 6 चौके और 6 छक्के जड़े, लेकिन 86 रनों के निजी स्कोर पर उन्हें शाहीन अफरीदी ने आउट कर दिया, जिसके बाद आए KL राहुल ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर भारतीय टीम को जीत दिलाई। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 53 रनों की पारी खेली, वहीं KL राहुल ने भी नाबाद 19 रन बनाए। भारत ने 30.3 ओवरों में 193 रन बनाकर इस मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया। पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी को 2 और हसन अली को 1 सफलता मिली। आपको बताते चले कि भारत की ये ODI वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर 8वीं जीत है। अब तक पाकिस्तान भारत से कोई भी मुकाबला वर्ल्ड कप में नहीं जीत सका है और इसके साथ ही भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल की लिस्ट में टॉप पर पहुंच चुकी है। ये मुकाबला खत्म होने के बाद मैदान में लगभग 130,000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे और ये सभी लोग वंदे मातरम गा रहे थे, जो काफी इमोशनल भी था। अब आज न्यू दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा। आपको क्या लगता है कौन होगा इस मुकाबले में विजेता, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। तो ये थी वर्ल्ड कप 2023 से जुड़ी अब तक की अपडेट। चलिए अब मिलते हैं आपसे क्रिकेट की दुनिया की नई खबर के साथ क्रिकेट इंसोम्निया पे। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन को जरूर दबा दे। इसके साथ ही अब आप सारी अपडेट हमारे ऐप पर भी पा सकते हैं। बस जाइए प्ले स्टोर पे और सर्च कीजिए क्रिकेट इंसोम्निया, आपको फटाफट डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं आपसे क्रिकेट की नई अपडेट के साथ क्रिकेट इंसोम्निया पे। क्रिकेट की हर खबर मिलेगी इधर। दिस वॉज योर फ्रेंड अर्का साइनिंग ऑफ। बाय फॉर नाउ।